है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेव एज को, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेव या उसके और भी बहुत सारे ऑप्शन, उसके ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक दो तीन ऑप्शन है, उस सबको बता दिया हूँ इसके प्रीवियस वीडियो में। आप नहीं देखे हो तो पहले उसको जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो देखते हैं क्या, देखो यहाँ पे सेव एज है, उसके बाद ये सेव के बाद सेव एज है। तो सेवेज में हमें मेरा जो है PNG मिलता है, BMP मिलता है, और JPG मिलता है, और GIF मिलता है, ठीक है। या अदर फॉर्मेट में भी इसको मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सेव और सेवेज में क्या अंतर है, दोनों तो फाइल को सेव करने में ही काम आता है, लेकिन सेव और सेवेज में क्या अंतर है, तो आपको दिख रहा होगा सेवेज में क्या अंतर है, ठीक है। मतलब कि सेव कर सकते हो, जिस चीज को आप सेव किए हो आप चाहो तो उसको किसी और नाम से भी सेव कर सकते हो, इसीलिए आप सेवेज यूज करते हो। देखो समझ में आएगा, वर्क करेंगे इस पे या इसको करके दिखाएंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब सेवेज में भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग का बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे PNG मिला, बाय डिफॉल्ट किस में उठा रहा है, PNG में उठा रहा है। आप चाहो तो JPG में भी उसको कर सकते हो, JPG में भी आप इमेज को कर सकते हो, BMP में भी कर सकते हो, GIF में भी कर सकते हो, ठीक है, या अदर फॉर्मेट भी हो सकता है, ठीक है, होगा, ठीक है, हो सकता है, नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं, करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को ऑप्शन को करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा सेवेज पे क्लिक करते हैं, सबसे अच्छा सेवेज पे मैंने क्लिक किया। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका नाम दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ डेमो 3। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, जस्ट मिनट, ये तो प्रोजेक्ट के नाम से ना था, देखो इसको ये समझ में नहीं है, इसको हम हटाते हैं। हम इससे पहले जो है उसको ओपन करते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ, जो डेमो 1 का था, डेमो 1 जो था उसको मैं डेमो 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, उसी को कहते हैं सेव एज, ओके। ये मैं बता दिया, लेकिन काम करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, और जहाँ पे है मेरा वो चीज़ मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे है, फिर उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। दिखाई दिया, ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ, नॉट है उसका जो उसके नॉट जैसे जो उसके अंदर है उस चीज़ को मैं यूज नहीं कर रहा, जैसे हुआ कि उसमें अलग फॉर्मेट का है, उस चीज़ को मैं, आप चाहो तो यहाँ से भी उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेमो 1 को डेमो 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेमो 2 तो है, डेमो 3 करते हैं, रिप्लेस हो जाए, डेमो 3 क्लिक हो गया। अब इसका नाम चेंज हो गया होगा डेमो 3 के नाम से, देखो डेमो 3 भी आ गया, सॉरी यहाँ पे डेमो 3 भी एक बन के आ गया, ठीक है। उसी चीज यानी वहाँ पे उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट, देखो अब दिखाता हूँ मैं, इसके अंदर जो चीज है, ठीक है, बोलने का मोटिव यही था कि जो इसके अंदर होगा वो भी चीज इसके अंदर हो जाएगा, इसी का मतलब होता है सेव एज, ओके, उसी चीज को यहाँ पे भी करके दे देगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसमें, ठीक है, कुछ और भी फंडा होता है ना इसका, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कि मैं इसको 3 को ही ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको रिप्लेस करके बताऊंगा आपको, और मैं सेव एज पे इस पे ना क्लिक करके मैं इसमें से कोई सा भी ऑप्शन PNG में तो बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, JPG में इसको करके दिखाता हूँ। मैं क्लिक किया और इसका नाम JPG रखा, ठीक है। अब आ जाती है इसका क्या नाम दे, डेमो 3, ठीक है, मैं डेमो 3 ही रखता हूँ, ठीक है, और ये JPG में है तो ये उठा लेगा, रिप्लेस नहीं मांग रहे, ओके। तो यहाँ पे देखो लॉस एडवर्टाइजमेंट, ओके ओके करते हैं, देखो अब देखो ये किस में हो गया, JPG में हुआ, ठीक है, और ये PNG में भी है, ठीक है, देख सकते हो अभी हमारा JPG में हो गया, ठीक है। अलग फॉर्मेट में भी इसको आप चाहो तो कर सकते हो सेव एज, बट सेव से नहीं कर सकते, सेव से PNG में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से MS Print को ओपन करते हैं, सॉरी MS Print ओपन है, मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सेव एज करूँगा, ये और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उस सब का भी आप यूज कर सकते हो, अदर फॉर्मेट में भी आप यूज कर सकते हो,
अदर फॉर्मेट आप कहाँ से यूज करोगे, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, आप जिस जिसका मन उससे यूज कर सकते हो और इसका चेंज कर सकते हो फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब आते हैं, मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ डेमो वन, ठीक है। अब ये क्या होगा बताओ, रिप्लेस हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेमो वन में भी तो वही चीज है, तो क्या कहोगे क्योंकि वो तो कुछ नहीं हुआ सर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि डेमो टू में तो दूसरा पिक्चर बना हुआ था, आप देखे हुए थे, ठीक है। अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो को देखो या इस वीडियो से भी आप सीख लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डेमो वन ही रखता हूँ, ठीक है, नहीं डेमो टू करता हूँ सबसे अच्छा, या मैं पहले दिखाऊंगा उसको, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा। चलो सेव एज करते हैं। अब ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है, इसमें रिप्लेस हो गया। तो ये समझ में नहीं आया होगा आपको, क्योंकि उसमें भी वही पिक्चर था और इसमें भी वही पिक्चर है, तो सोच कहोगे कि नहीं वो तो कुछ नहीं हुआ। तो डेमो टू के अंदर देखो पिक्चर दूसरा है ना, अभी देख लो इसमें दूसरा है ना, और ये डेमो वन या डेमो थ्री भी ले सकते हैं, पीएनजी में है तो इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं डेमो वन ही ले लूंगा, ठीक है। देखो इसमें दूसरा है, तो ये डेमो टू का नाम से जो है इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ये नाम को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इसके अंदर जो है इसमें कन्वर्ट कर दूंगा और ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव फाइल पे जाता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम डेमो टू दे देता हूँ, डेमो टू पीएनजी, चलो यही हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं पीएनजी ले लेता हूँ ना, जेपीजी नहीं ना, पीएनजी, ठीक है। और यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ये ठीक कर रहा है कि आर योर स्टोर, इसको आप करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, यस वार्निंग दे रहा है, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है। तो अब देखो डेमो टू में ये चीज को आ गया, वो डेमो टू के अंदर जो था वो चीज हट जाएगा और ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेव एज का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।